जनपद प्रयागराज से विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर से एनडीए गठबंधन अपना दलीय के घोषित प्रत्याशी राकेश धर त्रिपाठी और डॉक्टर बीके सिंह ने मियांकापुरा में किया केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन और चलाया जनसंपर्क अभियान और कहा कि मुझे प्रतापपुर की जनता का लगातार समर्थन मिल रहा है और मैं प्रतापपुर की जनता का आभारी हूं और मैं प्रतापपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं जो मेरे साथ लगे रहते हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे प्रतापपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला और यदि मैं यहां से विधायक बनता हूं तो मैं प्रतापपुर को 10 साल पुराना जो विकास नहीं हो पाया है उसे इन 5 सालों में सूद समेत लौटाने का काम करूंगा। आपको बता दें कि इस दौरान उमड़ा जनता का जनसैलाब और कहा कि जो अब तक नहीं हो पाया इस बार होगा और आप सब भारतीय जनता पार्टी का विधायक प्रतापपुर में देखने को मिलेगा और यह जनसैलाब देखकर लग रहा है कि अब मुझे विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता। सर, जैसे आज आप मियांकापुरा में आए हुए हैं, यहाँ केंद्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन है, तो यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना दल और विकास पार्टी तीनों के कॉम्बिनेशन से माननीय राकेश त्रिपाठी जी उम्मीदवार है, उनको 50,000 से ज्यादा वोटों से जिताइए और विकास की धारा जो इलाहाबाद जिले में आएगी उसको प्रतापपुर की तरफ मोड़ा जाए। सर, जैसे कि अभी पहले चरण का वोटिंग हो चुकी है और आप इलाहाबाद में 12 सीटें हैं, आप इसको लेकर क्या कैसे देखना है? यहाँ पे बीजेपी कितने सीट है? 12 सीट के पहले 9 सीट पहले 4 सीटें जीती हुई, अब की बार हम लोग पूरी 12 की 12 जीतने का उम्मीद रखते हैं। सर, जैसे यहाँ पे मियांकापुरा की धरती पे केंद्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है और इसको मुख्य संचालन का केंद्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पूरे विधानसभा का, प्रतापपुर विधानसभा का केंद्र है ये और यहाँ से चारों तरफ सारे कार्यकर्ता सुविधा पूर्वक आएंगे जाएंगे। और अभी आपने पूछा कि क्या संदेश देना चाहते हैं, हम तो ये अनुरोध करना चाहते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है उसका लाभ प्रतापपुर को नहीं मिल पाया है, हम उस इंजन से यहाँ पर उसका लाभ देने के लिए आए हैं, यही हमारा प्रतापपुर के लिए संदेश है। सर, जैसे कि अब तक प्रतापपुर में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए नहीं आ पाया है, तो क्या इस बार प्रतापपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी का एमएलए देख रही है गठबंधन का? निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण में जो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन बनाया है वो एक बड़े भाई की तरह, बड़ी पार्टी की तरह, निषाद पार्टी से भी, अपना दल से भी, और हम केवल विधायक अगर बनेंगे तो किसी एक दल के नहीं, तीनों के गठबंधन के विधायक रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।